अच्छा जी, तो वो गाड़ी बाहर निकली है। मैं भी आया था तो मैंने यहाँ देखा कि इसका ऑयल शायद लीक हो रहा है, और मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। अभी देखते हैं कि क्या वजह है, कहाँ से हो रहा है। अच्छा जी, तो ऑयल लीक हो रहा है। मुझे लगता है मैं इंजन गार्ड लगवा के आया हूँ, तो उन्होंने कोई टैपेट्स वगैरह लूज़ कर दिए हैं या कुछ पेच वगैरह ना इधर उधर हो गया है, तो वो भी चेक करते हैं। हमसे होता है तो हम खुद कर लेते हैं, वरना चेक करवाना पड़ेगा। ये भी बड़े रोले हैं। ये ना हो क्या रहा है कि ये जो उसने कवर लगाया ना जिस बंदे ने, ठीक है, इसके नीचे ये जो इंजन के नट लगे हुए ना इसके नीचे पत्री लगा दी है। अब हो क्या रहा है कि जो जोर है ना इसका, ये जो लगा हुआ लोहा, ठीक है, वो जोर नहीं आ रहा उसका, जो गैस्केट है ना वो बंद नहीं हो रही। ये तो क्या कारनामा, मतलब इंजन को भी कोई इस तरह से, ये है ही ढीला। ओहो तभी वो लीक हो रहा है, वरना और मैं तो ये खो रहा हूँ ना इसको खोल के, तो उसके नहीं उसको कसूंगा, भूल गया है जो, या ढीला हो गया हो सकता है, काम टाला ही है। मुझे तो लगता है रश था उसके क्योंकि हमने साथ। इसको वैसे ही पीछे करना है। तो ये इसी तरह करता है भाई, कितनी बार काम करवा के आ रहा था, कोई ना कोई चीज़ वो ना ब्लंडर मार देते हैं, इतना उनका काम है, ये नहीं पता उनको भी करना क्या, खुद ही मैकेनिक बनना पड़ता। अच्छा, मेरी कोशिश है कि इसको भी पीछे किसी तरह हम कर दें, क्योंकि इसके साथ टच होता है मड फ्लैप के साथ, तो बड़ा मुश्किल होती है मोड़ने में। अच्छा जी, तो शदीद किस्म का जुगाड़ जारी है, और हम इसके जो है स्क्रूज वगैरह एडजस्ट कर रहे हैं। तो फिर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि हमने किया क्या है इसमें। सीधे है ना, हाँ ये इसके नारे शुरू हो गए। ओके जी, तो काफ़ी मेहनत और टाइम लगाने के बाद हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। भाई ने इसका जुगाड़ निकाल लिया था कि कैसे उसको करना है। असल में होता ही है कि जब आप काम करवाने जाते हैं मैकेनिक से, तो वो आधा आधा काम करते हैं और आप कहते हैं हो गया काम, बस चलो हो गया। तो वो आपको कहते हैं बस हो गया काम, चलो ठीक है। अभी मैं जब गया हूँ कैपिटल मोटर्स पे, तो उन्होंने एक बैनर लगाया हुआ था कि आप कस्टमर जो है वो वर्कशॉप में नहीं आ सकता, अंदर जो काम करें मैकेनिक्स उनको डिस्टर्ब ना करें और उनसे कोई डिस्कशन ना करें। तो वो ऑब्वियसली सारे कस्टमर बाहर हैं, वो अंदर अपना काम कर रहे हैं, वो आधा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो कल मैं जब वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था इंजन गार्ड की, तो नहीं बना सक रहा था, जगह भी कम थी। तो खैर, आज मैंने देखा तो ऑयल लीक हो रहा था बाइक का, और उसकी रीज़न वही थी कि जो ये जो गैस किट है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, उसके स्क्रूज ढीले थे, तो उस वजह से जो है इंजन लीक हो रहा था। तो इसलिए आप जब भी जाएं उनसे कहें यार पूरा काम करना है आपने, ठीक है, आधा आधा काम नहीं करना। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स थे, और हमने इंजन गार्ड को भी सेट कर दिया। मैं आपको कल वाली वीडियो दिखाऊंगा बीच में कि कितना फासला था उसके बीच में और मड फ्लैप के बीच में, और आज कितना फासला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये है गैस किट, ठीक है, और ये इसके टैपेट कवर्स हैं। तो अब जब उसने इंजन गार्ड लगाया, तो ये जो इसकी पथरी होती है, ये इसने टैपेट कवर के अंदर इसको खोल के ना एडजस्ट की हुई थी। तो इसको एडजस्ट की और जो कवर था उसको टाइट किया नहीं, ठीक है, जो स्क्रू टाइप है, तो इसको टाइट नहीं किया, तो ऑब्वियसली इंजन से ऑयल लीक हो रहा था। सही है, तो वो कल सुबह मैंने देखा, आज तो मुझे समझ आई कि यार क्या मसला है। तो वो भाई ने देखा, उसको टाइट किया सही करके। तो अब हम ये चाह रहे थे कि यार इसके अंदर ये वाली पत्री ना लगानी पड़े, हम इंजन गार्ड को अलग से किसी तरह सेपरेटली लगा दें।
तो हमने इसका जुगाड़ ये किया कि इसकी फिटिंग की पहले हमने इन हीट गन जो है ये, इससे हमने इसको थोड़ा सा पिघलाया और इसको सही दबाया ताकि ये इंजन पे ना फिक्स आ जाए, क्योंकि यहाँ से जो फासला था, यह फासला देखें, कल ये यहाँ पे टच हो रहा था और आज इतना एक फासला है, ठीक है। तो ये काफ़ी फासला आ गया क्योंकि हमने इसको पीछे दबा के एडजस्ट किया, और इसकी पत्री जो थी ये, और ये जो है ना ये स्टील की तार है, ठीक है, बेंड हो जाती है इस तरह, तो इसको हमने बांधा इस पत्री के साथ। ये देखें वो जा रही है उस तरफ से दूसरी पत्री के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें इसके साथ हमने बांध दिया उसको और इंजन गार्ड यहाँ पे फिक्स हो गया। आप देखें बिल्कुल फिक्स है, हिलने जुलने वाला काम नहीं है इसका। तो ये छोटा सा हमने जुगाड़ किया और जो टैपेट कवर्स हैं इनको भी टाइट कर दिया ताकि इंजन ऑयल ना लीक हो, और फिर हमने क्रैश गार्ड को भी थोड़ा पीछे कर दिया ताकि इधर से फासला पूरा रहे, और अब जो है काम बिल्कुल फिक्स हो गया। अच्छा तो देखें अब ये काम बंदा खुद कर सकता है, सिर्फ टाइम की कमी है कि आज संडे था तो हमने सोचा यार कर लेते हैं रोज़ा, अभी टाइम भी पास हो जाएगा। तो वैसे तो मेरी छुट्टी नहीं होती लेकिन आज छुट्टी है तो मैंने कहा सुकून मारना चाहिए, तो साथ हमने सोचा ये काम भी हो जाए। कोई तो बंदा खुद काम कर सकता है, वही बार बार मैकेनिक पे जाओ, वो भी काम पूरा नहीं करते, उनका कुछ नहीं जाता, वो आपका आधा काम करके भेज देंगे, आपने दोबारा जाना है उनके पास और आपकी ख्वाहिश होनी है। तो खुद भी बंदा कर सकता है अगर टाइम हो तो, इतना इशू नहीं है इसमें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, अपना फीडबैक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।